हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि जिम करने से क्या हमारी हाइट रुकती है या नहीं। क्योंकि आज का जो मिसबिहेव है, मैंने बहुत सारा देखा है कि लड़कों के वहम रहता है कि हम जिम करेंगे तो हमारी हाइट रुक जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिसबिहेव बहुत ही ज़्यादा गलत है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम वर्कआउट करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे या जिम करेंगे तो हमारी हाइट रुक जाएगी। चलो दोस्तों, इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी बताएंगे आज हम आप लोगों को। तो वीडियो से जुड़े रहें, और जो भी भाई अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि आपके पास तक हर रोज़ मेरी वीडियो पहुँच सके और एक अच्छी नॉलेज आप लोग पा सकें। तो दोस्तों, जो सबसे मेन टॉपिक होता है ग्रोथ हार्मोन। दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन का मतलब ये होता है, जैसे कि बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन हर किसी के होते हैं, चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो। जिसके ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है, और जिनके ग्रोथ हार्मोन कम होते हैं उनकी हाइट कम होती है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे जिम करने से ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी हाइट रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो दोस्तों, सीधा सा मतलब ये है कि ग्रोथ हार्मोन जिसके ज़्यादा होंगे उसकी हाइट ज़्यादा होगी, जिसके ग्रोथ हार्मोन कम होंगे उसकी हाइट कम होगी। और दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरी टिप्स की ओर, जो कि कम हेल्थी खाना, यानी कि जो लड़के डाइट को अच्छा नहीं रखते हैं, जो डाइट अच्छी नहीं रखते हैं उनकी हाइट रुक जाती है। जैसे कि वो हेल्थी खाना नहीं खाते हैं, वो बाहर का खाना खाते हैं, जैसे टिक्की, चाउमीन, पेटीज, बर्गर, इनकी हाइट बिल्कुल ही रुकेगी, क्योंकि उनका कोई खाना पीना तो ये अच्छा है नहीं है जो कि उनकी हाइट अच्छी होगी। और जब हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे, पौष्टिक आहार का मतलब है जैसे उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, अच्छा खाना, जैसे कि जिसमें तुम्हारा पनीर हुआ, दूध हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुए, फल फ्रूट हुए, ऐसी चीज़ें खाओगे तो हाइट बढ़ेगी, ना कि बाहर की चीज़ों खाने से हाइट बढ़ेगी। बाहर की चीज़ें खाते हैं जैसे टिक्की, चाउमीन, पेटीज, बर्गर। दोस्तों, मैंने तो अभी एक ऐसा ठेला देखा है जो कि हमारे मोहल्ले में ही आता है, आलू गोंडा बर्गर, सादा बर्गर, पनीर बर्गर, पता नहीं साला क्या क्या बिक रहा है। और वहाँ भीड़ भी मैंने देखी है काफ़ी, मैंने वहाँ भीड़ भी देखी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग नहीं खा रहे। तो दोस्तों, इन चीज़ों के आदि ना हो। कुछ लोग हैं ऐसी चीज़ें खाते हैं और फिर कहते हैं, और शिक्षा देखो, शिक्षा कौन लोग दे रहे हैं जो आलू गोंडा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं कि जिम करने से हाइट रुक जाती है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि जिम करने से हाइट रुकती है। भाई, हमें एक बात बताएं, आप खुद बताएं, आप खुद सोच सकते हैं इस बात को। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी जब हम करेंगे तो लंबाई बढ़ेगी या कम होगी? आप खुद इस बात के समझदार होंगे, इतना तो समझदार हैं आप घर बैठे रहें, पबजी खेलते रहें, सोते रहें, उससे लंबाई रुकेगी या कुछ हम करेंगे जो फिजिकल एक्टिविटी हम करेंगे उससे लंबाई रुकेगी? आप इस बात का खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी लंबाई किससे रुकेगी या किससे नहीं। और मेरा आंसर तो सिर्फ यही है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें और अच्छा आहार खाएं, अच्छा भोजन लें, पौष्टिक आहार लेंगे तो कभी भी आपकी लंबाई नहीं रुकेगी। ये मेरा आपसे वायदा है दोस्तों। तो अब आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, जिम करने से ऐसा कुछ बिहेव नहीं है जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं। जिम करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा, बस इस बात पर ध्यान रखें वेट थोड़ा कम उठाएं। आप स्टार्टिंग में नए नए आए हो, आपकी एज भी कम है, तो आप जो है वेट को थोड़ा कम उठाएं, रैप को ज़्यादा लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेट को कम रखें, ठीक है दोस्तों। अब हम तीसरी बात की जब चलते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है जेनेटिक्स। जैसा दोस्तों आपने देखा होगा, जिसके घर में जिसकी माता पिता की लंबाई कम है तो उनके बच्चों की भी लंबाई कम ही होगी, और जिसके माता पिता की लंबाई ज़्यादा है तो उसकी लंबाई ज़्यादा होगी। तो जेनेटिक्स का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है लंबाई के मामले में। कुछ लोग, आपने ये भी देखा होगा, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग सांवले होते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब जेनेटिक के ऊपर है। जैसे माता पिता वैसे हमारा, यानी कि जैसे बच्चे होंगे जिस हिसाब से, जैसे जैसे आपने देखा होगा किसी के घर में सब लंबे हैं तो सभी लंबे हैं, और जिसके घर में सब छोटे हैं तो सब छोटे हैं। तो ये तो जेनेटिक्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है हमारी लंबाई पे।
ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ, फिजिकल एक्टिविटी। अब मैं आप लोगों को बता दूं फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। तो दोस्तों आप जिम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जिम में आए, ट्रेडमिल चलाएं, रनिंग करें, साइकिलिंग चलाएं, और बहुत सारी जिमों में मशीनें ऐसी होती हैं जिनसे आप एक्टिविटी कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, आप जो है स्क्वाट ना मारें, जो ताई वाली स्क्वाट होती है उस पर हैवी वेट लगा कर ना लगाएं। आप उस पर हैवी वेट लगाओगे तो आपकी लंबाई रुक सकती है, अन्यथा लंबाई रुकने का कोई अहम रिश्ता नहीं है इसमें। आप स्क्वाट लगा सकते हैं लेकिन कम वेट में लगाएं, हाई वेट पे स्क्वाट ना लगाएं। और आप एक्सरसाइज जिम में कोई भी करें, आपको आपकी एज कम है, 18 वर्ष से कम है तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और 18 वर्ष से प्लस हैं तो आप हैवी वेट भी लगा सकती हैं, कुछ भी करें, क्योंकि जितनी आपकी लंबाई बढ़नी थी वो बढ़ चुकी होगी, जो जेनेटिक्स होगा उतना हो चुका होगा। आप घबराएं नहीं कि जिम करने से ये होगा वो होगा, और जितनी लंबाई आपकी बढ़नी है वो तो बढ़कर ही रहेगी, उसमें आप घबराएं ना कि आप ये सोचें कि नहीं हम जिम करेंगे तो हमारी लंबाई रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जितनी लंबाई होगी, जो आपके जेनेटिक्स होंगे उतनी लंबाई बढ़ेगी, जो आपके ग्रोथ हार्मोन होंगे उतना एक्टिविटी होगा ही होगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं। तो आप दोस्तों घबराएं नहीं, सीधा सा जवाब बता दूं, आप जो है हेल्दी खाना खाएं, पौष्टिक आहार लें, जिसमें आप दूध दही पनीर ये चीज़ें खाएं, ओके। आप जो है फिजिकल एक्टिविटी करें, जिम करें, एक्सरसाइज करें कहीं भी, यानी कि आप रनिंग लगा सकते हैं, बाहर भी रनिंग करें। आप लटकें, ज़्यादा से ज़्यादा लटकें, आपको लंबाई बढ़ानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लटकें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों आप जितना मैंने आप लोगों को समझाया था अभी, तो आप मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, जो आपके मिसबिहेव थे, जो आप सोच रहे थे कि ये होगा वो होगा, आप पूरी वीडियो में समझ चुके होंगे। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ, और जो भी आपके भाई रिश्तेदार या कोई भी आपका मिलने वाला है जो इस मिसबिहेव में है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें उनके पास, और आप उन्हें बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का मिसबिहेव होता है कि वो बातों को नहीं मानते हैं, तो आप इस वीडियो को आप उनके पास शेयर कर सकते हैं, जो कि वो समझ सकें कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जिम करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है वर्कआउट करना, इससे कोई भी नुकसान नहीं है और बहुत सारे फायदेमंद हैं। हालांकि आपने देखा ही था कितनी बीमारियाँ चल रही हैं, और आज भी बीमारियाँ चल रही हैं, अभी हाल में कोरोना चला था। तो जब हमारा वर्कआउट करेंगे, पसीना निकालेंगे बॉडी से, तो ना तो हम बीमार पड़ेंगे, ना हमें कोई ऐसी बीमारी आएगी जिससे कि हम पीड़ित हों। इस वजह से हम कह रहे हैं वर्कआउट करें, और लंबाई के बारे में आप लोगों को बता ही चुका हूँ, ना आपकी लंबाई रुकेगी, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आप उस तरीके से रहें, आपकी लंबाई कभी नहीं रुकेगी, और लंबाई रुकने की जगह लंबाई आपकी बढ़ेगी, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अभी बताया था वीडियो के तहत, आपकी लंबाई बढ़ेगी ना कि घटेगी। चलो दोस्तों, मैं अब सभी भाइयों का धन्यवाद बोलूँगा, जो कि आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं मुझसे, इसी प्यार को इसी तरह बनाए रखें। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि मेरी वीडियो को देखते तो हैं लोग, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें वीडियो बनाने में आनंद आए और आप लोगों को नॉलेज मिले। ओके दोस्तों, धन्यवाद।